तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि आज हर हर लोगों के मन में, या बोल सकते हैं 90% लोग जो कि मोबाइल लेना चाहते हैं, सबके मन में चल रहा है। खासकर जो लोग जो कि आईफोन लेना चाहते हैं, लाइक वो आईफोन 13 लें या फिर आईफोन 14 लें, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। उसके बारे में आज बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि 13 में नहीं मिलेंगे, वो आपको 14 में मिलेंगे। तो 14 में क्या नए चेंजेस मिलते हैं आपको 13 के अलावा, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन लाइक दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करें जो कि मेजर चेंजेस की, या बोल सकते हैं जो कि मेन मेन चीज़ों की, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपको दोनों में A15 की चिप्स मिलती है, जो कि प्रोसेस होता है बाइकनोइक चिप होती है। बट वहाँ पर आपको आईफोन 13 में 6 कोर CPU मिलता है और 4 कोर GPU मिलता है, बट आईफोन 14 में आपको 6 कोर CPU मिलता है और 5 कोर GPU भी मिलता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को और उसके प्रोसेस को क्विकली या स्मूथली करने में मदद करता है। दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे मिलते हैं, बट 13 में जो है आप वहाँ पर मैक्सिमम 1080 के पिक्सल पे ही आप वीडियो को सिनेमेटिक मोड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वहीं 14 में आपको 1280 के पिक्सल पे भी आप वहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार है 14 का। अब यहाँ पर बात करें इमरजेंसी सपोर्ट के लिए, तो 14 के अंदर आपको क्रैश डिटेक्शन वाला मिलता है कि जैसी कोई भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा तो वो ऑटोमेटिक अलर्ट करेगा, तो वो फीचर भी आपको 14 के मिलता है। 14 में आपको सैटेलाइट मोड का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि आपको 13 पे नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पर 14 की बैटरी भी ज़्यादा चलती है, 13 की बैटरी भी कम है। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंट ये मिलता है कि आईफोन 13 के अंदर अपडेट बंद हो जाएंगे तो भी आईफोन 14 के अंदर अपडेट आएंगे एक साल बाद तक, जो कि बहुत ही बेस्ट, क्योंकि आईफोन आदमी लेता है तो उसको लॉन्ग टर्म तक चलाता है। तो अपडेट को भी, मेजर इंपॉर्टेंट को भी आपको सोचना है, और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको आईफोन 14 लेना चाहिए। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब देखने में तो कोई मेजर डिफरेंट नहीं है, पर फिजिकली और उसको चलाने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो 14 को आपको लेना चाहिए, 13 के नहीं लेना चाहिए। 13 आपको लगभग 40,000 का अमेज़ॉन में मिल रहा है, 3999 का, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा के बता रहा हूँ। और ऐसे ही अगर आप आईफोन 14 लेंगे तो आईफोन 14 आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे 4799 का या फिर 4899 का। ये उन्होंने रेट अभी डिस्क्लोज नहीं करा, पर इसी के आसपास आपको मिलेगा। दोनों में मेजर अभी 7 से 8 हज़ार का डिफरेंट मिल रहा है। अगर आप इसमें बैंक ऑफर भी लगाएंगे तो ऑफर लगा लेंगे तो आपको 2-3 हज़ार का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग आपको 5 हज़ार का दोनों में डिफरेंस मिलेगा, 13 में और 14 में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको 14 पे लेना चाहिए, लेटेस्ट में जाना चाहिए, प्रीवियस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक 13 बंद हो जाएगा, 14 तो भी चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको 14 का लेना चाहिए। और ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे व्हाट्सअप चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट, ऐसे नए ऑफर आपको सबसे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच।